हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट लेट पी एंड पी प्लस टू बी प्राइम नंबर्स एंड लेट डेल्टा इज इक्वल टू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल पी प्लस टू फैक्टोरियल एंड देन सेकंड रो इज पी प्लस वन फैक्टोरियल पी प्लस टू फैक्टोरियल पी प्लस थ्री फैक्टोरियल एंड द थर्ड रो इज पी प्लस टू फैक्टोरियल पी प्लस थ्री फैक्टोरियल पी प्लस फोर फैक्टोरियल सच दैट पी टू द पावर अल्फा एंड पी प्लस टू टू द पावर बीटा divide lambda delta, then the sum of the maximum values of alpha and beta is, and the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is, यहाँ पे हम लोग जो concept use करेंगे, that is n factorial जो होती है, that is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into n so on up to n. तो इस n factorial को हम लोग n into n minus 1 factorial भी लिख सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे इसी concept का use करके इस question को solve करेंगे. So जो हमें given है determinant, that is delta equal to, यहाँ पे ये p factorial, p plus 1 factorial and then p plus 2 factorial, again here p plus 1 factorial, p plus 2 factorial, and here we have p plus 3 factorial, and then p plus 2 factorial, p plus 3 factorial, and p plus 4 factorial. तो इसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो p plus 1 और यहाँ पे p plus 2 factorial है, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे, p factorial और p plus 1 factorial को लिख सकते हैं, p plus 1 into p factorial. अब p प्लस टू का हम लिख सकते हैं ऐसे p प्लस टू इंटू पी प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल. सिमिलरली यहाँ पे ये p प्लस वन फैक्टोरियल, अब p प्लस टू फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग p प्लस टू इंटू पी प्लस वन फैक्टोरियल. सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको p प्लस थ्री इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस वन फैक्टोरियल एंड देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको p प्लस टू फैक्टोरियल इंटू पी प्लस टू. सो यहाँ पे पी प्लस थ्री है, तो ये पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल एंड हेयर पी प्लस फोर इंटू पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल. तो अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है इसमें पी फैक्टोरियल कॉमन है, सेकेंड रो में पी प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन है एंड थर्ड रो में पी प्लस टू फैक्टोरियल कॉमन है. तो यहाँ से हम लोग डेल्टा को लिख सकते हैं, इन सबको हम लोग कॉमन ले लें, तो पी फैक्टोरियल into p plus 1 factorial into p plus 2 factorial. तो अब जो टर्म्स डिटरमिनेंट में रिमेनिंग है, दैट इज यहाँ ये हो जाएगी 1, 1, 1. अब यहाँ हो जाएगी p plus 1. यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है, दैट इज p plus 2. और यहाँ जो रिमेनिंग है, दैट इज p plus 3. सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म रिमेनिंग हो जाएगी, दैट विल बी p plus 2 into p plus 1. और यहाँ जो है p plus 3 into p plus 2 और यहाँ है p plus 4 into p plus 3. अब यहाँ पे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट स्टेप में ये p फैक्टोरियल into p plus 1 फैक्टोरियल into p plus 2 फैक्टोरियल. तो हम लोग यहाँ पे इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगी 1 p plus 1 और यहाँ मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, तो ये हो जाएगी 1 और ये है p प्लस 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6 एंड देन हियर 1 p प्लस 3 इनटू p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12. तो अब यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, पहले हम लोग r3 पे अप्लाई करेंगे सच दैट r3 माइनस r2, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे r2 पे, दैट विल बी r2 माइनस r1. तो यहाँ पे देखेंगे p3 माइनस p2 करेंगे, p प्लस 3 टर्म में p प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1, सिमिलरली p प्लस 2 में p प्लस 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगी 1 और यहाँ 1 माइनस 1 0. अब यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 2p प्लस 6 और इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 2p प्लस 4. तो यहाँ पे ये 6 है ये 4 है, इसको हम लोग नेक्स्ट में यूज करेंगे.
तो यहाँ पे रो ऑपरेशन करने के बाद वी विल गेट डेल्टा इक्वल टू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल, यहाँ पे ये वन एंड देन ये जो टर्म है दैट इज पी प्लस वन, और यहाँ पे ये है टी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू। अब ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं आर टू पे, जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी जीरो वन एंड हेयर वी विल गेट टू पी प्लस फोर। सिमिलरली आर थ्री पे ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगी जीरो वन और ये हो जाएगी टू पी प्लस सिक्स। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, सिंस यहाँ पे दो ऐसे रो है जिसकी फर्स्ट एलिमेंट जीरो जीरो है, तो दो रो के अलॉन्ग जब ये एक्सपेंड होगा तो ये जीरो होगी, हमें सिर्फ इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करनी है। तो ये हो जाएगी डेल्टा इक्वल टू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगी वन इंटू टू पी प्लस सिक्स माइनस टू पी माइनस फोर, बाकी सारे टर्म्स के अलावा अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा को सॉल्व करें तो ये हो जाएगी पी फैक्टोरियल इंटू पी प्लस वन फैक्टोरियल पी प्लस टू फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये टू पी माइनस टू पी कैंसिल, तो ये हो जाएगी सिंपली मल्टीप्लाइड बाई टू। तो यहाँ से लोग ले सकते हैं डेल्टा इक्वल टू टू इंटू ये हो जाएगी पी फैक्टोरियल इंटू, तो यहाँ से हम लोग पी प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ऐसे इंटू p प्लस वन फैक्टोरियल इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवेन है कि जो ये डेल्टा है इसको p की पावर अल्फा इंटू p की प्लस टू की पावर बीटा इस फॉर्म में जो है उसको डिवाइड कर देता है, तो हमें पहले ये जो भी एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में इसको लाना होगा। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे टू इंटू पी फैक्टोरियल इंटू पी प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं पी प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल। सिमिलरली पी प्लस टू फैक्टोरियल को लिख सकते हैं p प्लस टू इंटू पी प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल। तो यहां से हम इसको लिख देंगे टू इंटू पी प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल की क्यूब इंटू पी प्लस टू। अब यहां से p फैक्टोरियल को हम लोग अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगी p इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल क्यूब, तो यहां से हम लोग p माइनस वन फैक्टोरियल होल क्यूब इंटू पी क्यूब इंटू पी प्लस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो फॉर्म आ गई दैट इज पी की पावर अल्फा इंटू पी प्लस टू की पावर बीटा फॉर्म में कर देता है। तो यहाँ से हम लोग इन लोगों को कंपेयर करें देन वी विल गेट, सो ऑन कंपेयरिंग अल्फा विल बी इक्वल टू थ्री एंड बीटा विल बी इक्वल टू वन। तो हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सो ये क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर। एंड we can say that alpha plus beta will be equal to 4 and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.